सीडीसी कॉलेज की छात्राएं नवनिर्मित छात्रावास में जाने से इनकार कर दिया है। छात्राएं कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर अनिल सुचारी से मांग की है कि उन्हें जीडीसी कैंपस के अंदर ही छात्रावास की नई बिल्डिंग में ही रखने का निर्देश दिया जाए। छात्रों ने बताया कि विगत कई वर्षों से शासकीय नवीन अनुसूचित जाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास रीवा में ही रह रही है। छात्राओं को अब नई बिल्डिंग धोबिया टंकी के पास स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसकी जीडीसी महाविद्यालय से काफी दूर है, साथ ही असुविधा होगी। पास में शराब दुकान होने के कारण शराबियों के द्वारा मान सम्मान और जान का जोखिम बना रहेगा। इसमें छात्राओं की शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं छात्राओं ने क्या कहा। सर, हमारी समस्या ये है कि हम लोग को जहाँ हॉस्टल दिया जा रहा है धोबिया टंकी के पास, वहाँ का वातावरण माहौल बिल्कुल सही नहीं है, जिससे हम लोग सेफ, जान सम्मान किसी चीज़ से हम लोग सेफ नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोग के लिए स्कूल कॉलेज कोचिंग बहुत दूर है, जिसके कारण हम लोग को समस्या होगी आने जाने में। और हम लोग इस घर इस ऐसी स्थिति से नहीं हूँ कि किराया लगा के डेली 100 रुपये 20 रुपये किराया लगा के हम लोग अपना पढ़ाई शिक्षा आगे ग्रहण कर पाएंगे। पहले यहीं जीडीसी कैंपस के अंदर ही जीडीसी हॉस्टल में ही रहते थे, जिसके कारण वहाँ हम लोग को भेजा जा रहा है धोबिया टंकी के पास। वहाँ हम लोग को ना चाहते हो, जीडीसी कैंपस के अंदर की दो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, तो हमको वो बिल्डिंग प्रदान की जाए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वहीं की मरम्मत करके हम लोग किसी तरह एक डेढ़ महीना एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम यस सर लेकिन वहीं पे हम लोग को बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग जीडीसी टीआरएस मॉडल साइंस पेंटियम पॉइंट और यूनिक कॉलेज और श्याम आदर्श लॉ कॉलेज, कई सारी लड़कियां, मतलब हर कॉलेज की लड़कियां यहां पे रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, यूजी पीजी और कई सारी डिग्रियां ले रही हैं, तैयारी भी कर रही हैं। सर कलेक्टर सर हम लोग से मुलाकात नहीं किए हैं, डिप्टी कलेक्टर सर किए हैं, संजीव पांडे सर, जिससे हम लोग को ये बोला गया था कि 3 दिन के बाद हम लोग आएंगे, वहाँ देख रेख करेंगे और तुम लोग की समस्या को समाधान करेंगे। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई समाधान हम लोग का किया गया। आज चौथा दिन है, जिसके कारण हम लोग कमिश्नर सर के ऑफिस में आए हैं, जो यहाँ से कमिश्नर सर से मिलना चाह रहे हैं, यही हम लोग की गुजारिश है। और हम लोग का बेड वगैरह भी ले जाया गया, पहले ही 29 तारीख को ले जाया गया, जिसके कारण हम लोग 30 तारीख को कलेक्टर सर का ऑफिस का घेराव किए थे और अब वहाँ न सुनवाई हो। कमिश्नर साहब को मिला नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला। हम लोग ज्ञापन दिया गया, लेकिन ये मतलब सर के माध्यम से दिया गया है। यस सर, ज्ञापन दिया है किस मुद्दे को लेकर? ये हमारी जीडीसी कॉलेज की हमारी ये बहनें हैं, एसटीएस की बहनें हैं, इनका छात्रावास जीडीसी में बहुत वर्षों से अथावित था। कुछ दिनों बाद इनका छात्रावास दूसरी जगह धोबिया टंकी के पास स्थानांतरित कर दिया गया है, और दबाव बनाया गया लगातार इनके ऊपर कि आप सब इसे खाली करें। इनका खासतौर बेड खटिया बिस्तर सब बांधा हुआ है, और ये सब बिटिया हमारी बहनें जो है कल से बेघर, आप मानिए कि बेघर है। ये कल या परसों कलेक्टर महोदय जी के पास गई थी ज्ञापन देने के लिए, उनके द्वारा आश्वासन मिला था जब तक कुछ ऐसा नहीं होता तो आप लोग यथावत वहाँ रह सकती है। बगल में एक छात्रावास खाली है, और छात्रावास जो बन रहा है उसका रिपेयरिंग एक्चुअली हो रहा है। ये वहाँ तक तैयार हैं कि हम लोग यहाँ पर 1 महीने 2 महीने जो लगेगा, हम सब बहनें जो इनकी बहनें हैं, जो हमारी बहनें हैं, ये वहाँ पर अपना व्यवस्थित ढंग से किसी तरह से 1-2 महीने पढ़ने आई हैं, ये अपना ये किसी से व्यवस्था बना लेंगे। लेकिन इनके ऊपर आप ये मानिए कि वहाँ के जो वहाँ का छात्रावास का जिम्मेदार अधिकारी शासन प्रशासन है, वहाँ पे इनके ऊपर दबाव डाला कि नहीं आप लोग सब वहाँ बिछिया जाइए, वहाँ का माहौल इतना ख़राब है महोदय कि ये हमारी बहनें बता सकती हैं। शराबी घूम रहे हैं, जुआड़ी घूम रहे हैं, वहाँ ये बच्चियाँ कहाँ कैसे रह पाई हैं, पता नहीं खिड़की लगी है कि नहीं लगी है, ठंड में कहाँ जाएंगी, आप देख रहे हैं किस तरह ठंडी पड़ रही। तो ये यहाँ पे अभी 110 रहती हैं छात्राएं, ये वहाँ पे अभी 75-76 छात्राएं हैं, कुछ अभी नहीं आई हैं, और ये सब एक ही मांग कर रही हैं कि हमें वहीं पे यथावत रखा जाए, वहाँ पर खुश हैं, वहाँ पे ये पढ़ रही हैं। और ये कोचिंग कॉलेज सब इतना नज़दीक है, वहाँ पे आप देखिए 25 रुपये 30 रुपये लगता है ऑटो का, आना पड़ता है इन्हें कहाँ पे से मार्केट पे आना पड़ता है।
हाँ, अब ये कहाँ से, सब ये मध्यम परिवार की बिटियाँ हैं, कहाँ पे ये आप बताइए कि ये डेली कर सकेंगी किसी तरह से। ज्ञापन दिया तो क्या? अब कमिश्नर साहब तो मिल नहीं पाए हैं, अभी अधिकारी महोदय ने ज्ञापन लिया है और हम लोग अभी अड़े हुए हैं मिलने के लिए, और आवश्यकता पड़ी तो अभी कलेक्टर महोदय जिसके पास हम लोग जा रहे हैं। ये GDC कॉलेज की छात्रा है, और ये बहुत, हाँ ये बिटिया है। और